दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल प्रदेश फूड क्राफ्ट और टेक्सटाइल विभाग की ओर से महिलाओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई अभ्यास करवाया गया था। वहीं सोमवार को इन महिलाओं को सिलाई मशीन और 1500 रुपए का वेतन भी दिया गया। ये बात शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कही। देखिए, हमने पिछले दिनों कुछ महिलाओं को स्टिचिंग और कढ़ाई करवाने का एक वर्कशॉप लगवाई थी। लगभग इसमें 20 महिलाएं आई थी, जिसको लेकर के हमने उनको मशीनें बांटी आज, और जिसके 21 साइट में इसके अंदर है, मशीन का स्टैंड है और दूसरी जो इंच टेप से लेके फुट रूल से लेके मशीन जो महिलाएं उसको यूज़ करती है स्टिचिंग के काम में, और इसके साथ ही 15,000 का उसमें स्टाइफंड भी दिया गया था महिलाओं को। कि महिलाओं के लिए जो घर बैठे जो महिलाएं किसी कार्य को और बाहर होम जो घर पे काम करती महिलाएं उनको स्टिचिंग का एक को बढ़ावा देने के लिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए उनके लिए हिमाचल प्रदेश फूड क्राफ्ट की तरफ से और केंद्र सरकार का जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है उनके संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजन किया था। वो ट्रेनिंग हमारी पिछले महीने हो गई थी, उसके बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। आज हमने उसको मशीन बांटने और मशीनें बांटी महिलाओं के लिए, और इसी तरह के मैं दूसरे कार्यक्रम और जगह भी हम दूसरी अलग अलग वार्ड्स में भी इन कार्यक्रम को करेंगे ताकि महिलाओं के को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।